हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस के स्टडी पॉइंट मथुरा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पहला पार्ट है जिसमें के टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। देखिए, आपने अगर इस 25 क्वेश्चनों को लगा लिया तो आपको किसी भी चीज की एग्जामिनेशन में जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इस चैप्टर के। देखिए, आपको करना ये है कि मेरे सारे क्वेश्चंस को ठीक से देखना है और इस फॉर्मेट के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, चाहे वो किसी भी रेफरेंस के क्यों ना। तो चलिए, आज के समय को न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को। ओके, चलो स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये आपको बताना है, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपल सा आप समझ लीजिए कि जिसका एक्स स्क्वायर यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स अगर 2 होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये समझ लीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो पहला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ लीजिए क्यों है। देखिए, यहाँ पर आपका रूट आ रहा है, यहाँ पर आप इसको करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ रहा है, और जब इसे आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका 2 आएगा यानी कि एक्स स्क्वायर आएगा। इसे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, एक्स क्यूब इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो ये मिलने वाले हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर मिलेगा, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो लीनियर फॉर्म मिलेगी, ये आपका नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर करूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। देखते हैं एक बार, तो देखें एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, 2x² + 3 = यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया 10x हो गया, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया तो -15 हो गया, जब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 2x² हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई आपने किया तो -3x हो गया, यानी कि x² से ये कट जाएगा तो ये लीनियर फॉर्म बन जाएगी, यानी कि आपका ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप देखिए नन ऑफ दी दो, तो आपका देखिए यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है, और जब मैं इसे करूंगा तो यहाँ पर भी एक एक्स क्यूब मिलने वाला है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचा हुआ आपका आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। तो ये दिस इज बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि आपका कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हम कर ले तो कौन सा वाला नहीं है ये हम देख लेते हैं। देखिए, जब मैं इसे इधर लूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला का आंसर नहीं होगा, ये हट जाएगा। सेकेंडली देखूंगा तो यहाँ पर स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 2x² यानी कि 1x तब भी बचेगा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 2 आएगा 2x², देखिए x² यहाँ पर है, 2x² यहाँ पर है, तो ये x² से ये कट जाएगा, यानी कि ये आपका राइट आंसर रहेगा क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में होगा, यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा। तो आपका सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो x = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखिए, ये कह रहा है k की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर k की वैल्यू बताने के लिए हमें करना ये है k की वैल्यू को इसमें रख देना है। तो यहाँ पर आएगा 27 + 3k - 3 = 3 + 9 = 0। तो यहाँ पर आएगा 33 - 3k, k से ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि माइनस का 11। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन का वन रूट आपको 2 दे रखा है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या होगा, जो दूसरा रूट आपको दे रखा है उसे x की जगह पुट कर दीजिए, देन आपको आंसर मिल जाएगा। जब मैं इसको x की जगह पुट करूंगा तो यहाँ आपको मिलने वाला है 8, और यहाँ पर आपको मिलेगा +2a + 6 = 0। तो 2a = -14, a की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से 7 आ जाएगा, वो भी माइनस का। ओके, तो -7 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे तो सम ऑफ द रूट, देखिए सम ऑफ द रूट की बात करें तो α + β = होता है -b/a। जब मैं -b/a की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 6 है मेरे पास, a की जगह पर 1 है, तो 6 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। देखिए, 7 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप समझ लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इस इक्वेशन का क्या दे रखा है, आपको -2 दे रखा है। तो हम जानते हैं आपको इक्वेशन जो दे रखी है उसे पहले फॉर्म में बना लीजिए। तो क्या किया, x² - 3x + k - 10 = 0। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, c/a होता है, तो c की जगह आपने क्या लिखा, -k - 10। ठीक है, a x की जगह पर आपका 1 है और यहां पर आपको -2 दे रखा है। ठीक है, तो जब मैं 10 को इधर लूंगा तो k = आपको मिलेगा 8। c इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर एट की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। देखिए एक इक्वेशन आपको दे रखा है जिसका सम ऑफ रूट बताना है, पहले तो देख लीजिए आपका क्या आने वाला है, आपका सम ऑफ रूट जो आ रहा है माइनस बी अपॉन ए यानी कि 12/7। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आने वाला है 18/7। अब उनका रेशियो बताना है, तो 6 से ये गया 2 times और 6 से गया 3 times, तो आपका डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं कि इस वैल्यू को देख लीजिए, इस वैल्यू को कह रहा है कि ये एक रूट है, आप सेकेंडरी रूट फाइंड आउट करिए। जब आपको एक ही आपको वेरिएबल दे रखा हुआ है, दो वेरिएबल नहीं दे रखे हो, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको एक्स के इक्वल रखेंगे 1/3 और इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, 0 के इक्वल इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इस वाली वैल्यू का आप डिवाइड दे दीजिए जो इक्वेशन आपको दे रखी है, जब मैंने इसका डिवाइड दूंगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी आपकी x-3 यानी कि ये वैल्यू रहेगी। तो इसको आप 0 के इक्वल रखिए, जब आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x = 3 मिलेगा, यानी कि 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि देखिए ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है और इन दोनों के रूट जो है वो रेसिप्रोकल है, तो आप बताइए कि जो k की वैल्यू है वो क्या होने वाली है। तो देखिए उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको करना ये है, आप जानते हैं क्या x/1x यानी दोनों रेसिप्रोकल है, इन दोनों का प्रोडक्ट आप पास, तो प्रोडक्ट होने वाला है c/a यानी k/5 यानी कि x आपका कट जाएगा तो 5 = k आएगा। d इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देख लें 11 क्वेश्चन की बात करें, तो इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, देखिए सम ऑफ द रूट बताना है इस इक्वेशन का, है ना, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए दोनों, देखिए आप सम ऑफ रूट ऑफ है, तो सम ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो सम ऑफ रूट होता है हमारा क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है -b/a। तो जब मैं -b/a की बात कर रहा हूं तो -2/k = c/a यानी कि 3k/k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू निकालूंगा तो -2/3 एंड d इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आपको टू रूट्स दे रखे हैं और इन रूट से एक इक्वेशन बनाना है, इस पोजीशन में आपका एक फार्मूला होता है x² - sum of roots x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए ये होता है x² - sum of roots, तो सम ऑफ रूट आपको दे रखा है 6, तो यहाँ पर x होगा और यहाँ पर प्लस यहाँ पर होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये यहाँ पर 6 होने जा रहा है, तो ये 0। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये, तो देख लीजिए आपका कौन सा इक्वेशन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर मैच कर रहा है a इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा ये 12 वाला क्वेश्चन रह गया, ओके तो 12 वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए सेम इसी तरीके से होगा, 12 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास है 5 और 2, आपको मैं इनका सम ऑफ रूट निकाल लेता हूं, सम ऑफ रूट निकाल आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा -10 आ रहा है। तो यहां पर आप देख लीजिए x²-3x-10 = 0 यानी कि ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो आप इक्वेशन देख लीजिए कौन सा है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर्मूला आपको मैंने बताई दिया है x²-sum of root x + या प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है ये आपका फॉर्मूला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है ए इफ अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ इक्वेशन यानी कि अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। तो जब इसके रूट अल्फा बीटा दे रखे हैं तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलने वाली है α+β/αβ यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट की बात करूंगा इस इक्वेशन की तो -b/a यानी कि -8/3 और जब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूंगा तो 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आपका -4 इज द राइट आंसर फॉर दिस इक्वेशन ओके। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, रूट ऑफ द इक्वेशन, देखिए रूट ऑफ द इक्वेशन विल द रेसिप्रोकल ईच अदर यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आप समझ लीजिए सी ए के इक्वल होता है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन यानी कि रूट दे रखे हैं आपको इक्वल है, कैसे इक्वल है, तो ऐसी पोजीशन में जब रूट इक्वल होते हैं तो -bac = 0 होता है, तो b² = 4ac, c की वैल्यू निकालूंगा तो b² / 4a, c की वैल्यू जो मिलेगी b² / 4a इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है,
इफ द इक्वेशन 9x² ये आपको इक्वेशन दे रखी है और इसके रूट कैसे हैं, इक्वल रूट हैं, तो देखिए यहां पर आप देख लें 36 के स्क्वायर आपका जो है बी स्क्वायर मिलेगा -4ac यानी कि -4 × 4 = 0 मिलेगा। यहां पर आपको मिलेगा 36 के स्क्वायर = 4 × 9 × और यहां पर k मिलेगा तो 4 × 9 × 4/36 यानी कि ये दोनों वैल्यू इससे कैंसिल आउट होंगी, यहां पर स्क्वायर होगा। तो आप देख पा रहे हैं k की वैल्यू जब मैं स्क्वायर से निकालूंगा तो प्लस माइनस का 2 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? प्लस माइनस का 2। तो प्लस माइनस का 2 होगा तो 17 का आपका सी आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। ये देखिए सिमिलर क्वेश्चन है भाई, सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप खुद करिएगा। अगर आपको नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिएगा। मैं आप क्वेश्चन नंबर 19 4x² - 3kx + 1 = √ सेम क्वेश्चन है, ये भी आप करिएगा। देखिए 18 और 19 आपको खुद करना है, ठीक है। 17 की तरह ही है सेम, बस ये वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है, वैल्यू आपको उसमें पुट कर देनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। इफ द रूट ऑफ ax² + bx + c = 0 तो आपका रूट रियल और अनइक्वल इसके रूट हैं, तो कौन सी कंडीशन बनेगी? तो देखिए तीन कंडीशन आपकी बनती हैं। पहला b² - 4ac, तो ये आपका जो होता है वो रियल होते हैं, रूट जीरो होगा यहां पर, तो ये रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहां पर b² - 4ac = 0 हो तो यहां पर इक्वल होंगे, कैसे होंगे? इक्वल। यहां पर देख लीजिए b² - 4ac आप ये 0 से छोटे होते हैं तो यहां पर इमेजिनरी होंगे, ये तीन कंडीशन होंगी आपकी, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए, यानी कि 0 से अगर आपकी वैल्यू छोटी होती है तो आपका इमेजिनरी होगा, 0 से बड़ी होती है तो आपका रियल होगा, अगर आप 0 के इक्वल होती है तो इक्वल होगा। तो आपका पहला जो होगा इसका ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? देखें ये सिंपल कह रहा है कि ये वाली कंडीशन बताइए। देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि अगर 0 से बड़ी वैल्यू होती है तो आपको क्या है, रियल मिलेंगे, ठीक है, रियल वैल्यू होगी, ठीक है, ओके। देखिए इसके आप रूट देख लीजिए क्या आ रहे हैं। तो b² - 4ac मैंने यहां पर रखा, अब देख लीजिए b² क्या है, 36 - 4 × 2 × 7। तो जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर 36 - 56, तो यहां -20 आ रहा है, तो यानी कि माइनस का आ रहा है। तो माइनस की कंडीशन में आपके रूट जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। अब 23 देख लीजिए, 23 क्या कह रहा है, आपके पास ये दे रखा है सेम उसी प्रोसेस से b² - 4ac, इसमें रख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे b² है यहां पर, तो 36 यहां हो गया -4 × 2 × 3, तो 36 माइनस आपके पास तो आया 12 और 24, तो आपको कौन सी वैल्यू आई, तो यहां पर आपके जो रूट होंगे वो रियल होंगे, कैसे होंगे, रियल होंगे, ठीक है। देखिए जब आपके पास यहाँ 12 आ रहा है पॉजिटिव, अगर यहां पर आपके पास क्या था, प्रॉपर स्क्वायर आता तो आपके रियल अनइक्वल और रेशनल होते, कैसे होते, रेशनल। जब यहां पर आपके पास कैसा है, प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, तो वहां पर इस केस में रियल अनइक्वल और इरेशनल होते हैं, ये समझ लीजिएगा। जीरो से बड़ी वैल्यू आपकी आ रही है, जीरो से बड़ी वैल्यू में आपका प्रॉपर स्क्वायर आ रहा है तो वो आपका रेशनल है, अगर आपका जीरो से प्रॉपर स्क्वायर नहीं आ रहा है तो वो इरेशनल है, ठीक है। यहां पर चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए रियल है बट कैसे है, डिस्कनेक्ट है, तो चलिए देख लेते हैं। b² - 4ac तो रियल है तो 0 से बड़ा है, तो b² आप देख लीजिए तो k² हो गया, ठीक है, k² - 4ac, 4 क्या है आपके पास, ये हो गया और यहां पर 520 हो गया, सॉरी c हो गया आपका 5, तो ये हो गया 0, तो k = आपके पास जो वैल्यू मिली वो 20 हो गया, ठीक है, क्या होगा 20, बट ये कंडीशन कैसी होगी इस तरीके से, तो k की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो आपका रूट में क्या मिलने वाला है आपको 20, और 20 के जब फैक्टर करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस का 2√5 ये वैल्यू मिलेगी। तो देख लीजिए आपका जो आंसर आने वाला है वो रहेगा डी आंसर, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन,
क्योंकि जो वैल्यू होगी वो कैसे बड़ी भी होगी और कैसी भी होगी छोटी होगी, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू आपकी कैसी रहेगी छोटी और प्लस वाली वैल्यू कैसी रहेगी बड़ी। ओके, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो इज द नो रियल रूट। देखिए जब कंडीशन बनती है नो रियल रूट की तो आपको पहले से ही पता है कि उसका आंसर क्या होता है। देखिए जब नो रियल रूट होगा तो यानी कि आपका क्या होने वाला है, यानी कि पॉजिटिव नंबर नहीं होने वाला है, नो रियल रूट होंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है फाइव, यानी कि 25 के स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की जगह पर वन और यहाँ 16, ठीक है जीरो। तो यहाँ 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो नहीं है, यहाँ पर इक्वल मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर 64 हो गया। जब मैं यहाँ पर 25 k की स्क्वायर 8/5 मिलेगा, 8/5 होगा प्लस माइनस का। तो देखिए ये नेगेटिव भी होगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन, आप इनके बेस पर क्वेश्चन करिए अपने रिफ्रेशर से। तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करने से आपको प्रीवियस सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।